हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, आज कैलकुलस का लैक्चर नंबर 7th करन जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1E करते पे आप, तो काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े असी अपने पिछले लैक्चर च कर चुके हैं, तो ये हुण 3 क्वेश्चन असी करांगे। जे टाइम मिले तो असी जिहड़ी अगली टाइप है वह भी करन दी कोशिश करांगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ, तो एको ही मैथड दे नाल असी करन जा रहे हैं, सो बड़े ही ध्यान नाल समझियो। जे तुसी मेरे लैक्चर पसंद करते होवोगे तो लाइक जरूर करे करो, नाल दे नाल चैनल सबसक्राइब भी जरूर करियो जे पहले नहीं किया। सब तो पहला ये क्वेश्चन है जी, सैकेंड का थर्ड पार्ट, फाइंड लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इफ एग्जिस्ट। ये सैट दिता होया, इत्थे एक्स ग्रेटर दैन जीरो कंडीशन गिवन आ। इहदे नैक्सट क्वेश्चन आ, उहदे च वी असी ये दसना कि ये जो सैट आ, ये ना तो बाउंडड अबव आ, ना ही बाउंडड बिलो आ। इहदे विच की आ कि ना तो इहदा एल जू बी एग्जिस्ट करता, ना जी एल बी एग्जिस्ट करता, ये आपां शो करांगे। इहदे च वी कंडीशन है जी, एक्स लैस दैन जीरो, तो नाल एक्स गिवन आ नॉट ईक्ल टू -1। ठीक है जी, जे एक्स ईक्ल टू -1 हो गया फिर तो ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके नैक्सट क्वेश्चन, एक सैट गिवन आ, ये भी एक्स ग्रेटर दैन जीरो गिवन आ। ये असी यह शो करना कि एल जू बी तो जी एल बी नॉट एग्जिस्ट। सेम टाइप के क्वेश्चन आ, हर एक क्वेश्चन के अंदर जां तां एक्स ग्रेटर दैन जीरो आ जां एक्स लैस दैन जीरो आ, इस टाइप के क्वेश्चन आ। सब तो पहला मैं सैकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करन जा रहा, सैट की गिवन है वो आप लिख लें। की गिवन है, एक्स ओवर 1+x सच दैट एक्स ग्रेटर दैन जीरो। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होवे की करना, की करना वो देखो असी की करांगे, लैट असी वाई सपोज कर लांगे इस फंक्शन नूं, एक्स ओवर 1+x नूं असी की सपोज कर लिया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, एक्स कैलकुलेट करांगे एज ए फंक्शन ऑफ वाई। एक्स कैलकुलेट करांगे तो एक्स की होएगा ग्रेटर दैन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1+x इज इक्वल टू एक्स, सिंपलीफाई करो y+yx इज इक्वल टू एक्स। उस तो बाद की करोगे, एक्स वाली टर्मा नूं तुसी एक साइड ते कर लोगे, एक्स वाली टर्मा नूं की कर लोगे तुसी एक साइड ते कर लोगे, एक्स वाली टर्मा नूं की कर लोगे एक साइड ते कर लोगे। ओके, वाई एज इट इज़ इधर रह गया एक्स माइनस एक्स वाई, तो की करोगे एक्स कॉमन 1-y। इतों तुसी एक्स कैलकुलेट कर लिया बड़ी ईजीली, वाई ओवर 1-y, ये साढ़े कोल एक्स आ गया। हुण असी दो केस लैके क्वेश्चन करांगे, वो दो केस की, केस फस्ट ये होएगा कि 1-y पॉजिटिव भी हो सकता, 1-y नैगेटिव भी हो सकता। हुण असी दो केस करांगे, फस्ट केस हुण आपां की करांगे, फस्ट केस करांगे, बट उस तो पहला ही आपां देखिए कि सानू गिवन की है, एक्स ग्रेटर दैन जीरो गिवन, गिवन की है, गिवन आ एक्स ग्रेटर दैन जीरो, ये सानू कंडीशन गिवन आ, वह असी कंडीशन यूज़ करांगे। एक्स की वैल्यू पुट करो, दैट इज़ वाई ओवर 1-y की है साढ़े कोल ग्रेटर दैन जीरो। इत्थे हुण असी दो केस करांगे, ठीक है जी, इत्थे हुण असी दो केस अप्लाई करांगे, केस फस्ट। ठीक है जी, हुण असी दो केस करांगे, मैं फिर एक बारी रिपीट करदा कि स्टैप किते, जो भी फंक्शन गिवन है उन्होंने वाई सपोज कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उतों एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी इस तरीके। उस तो बाद असी दो केस करांगे, दो केस करन तो पहला देखो कंडीशन की, एक्स ग्रेटर दैन जीरो, जे एक्स ग्रेटर दैन जीरो उहदी एक्स की वैल्यू पुट करती वाई ओवर 1-y ग्रेटर दैन जीरो। हुण दो केस करांगे, वो केस की होणगे, 1-y पॉजिटिव भी हो सकता, 1-y नैगेटिव भी हो सकता। केस फस्ट असी सपोज कर लैंदे आ 1-y ग्रेटर दैन जीरो, जे 1-y ग्रेटर दैन जीरो आ तो तुसी इहदा नाम आपां जे स्टार रख लीए, जिस तरीके असी पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, इस टाइप दे मल्टीप्लाई स्टार नूं स्टार बाय 1-y ग्रेटर दैन जीरो मल्टीप्लाई कर दोगे तो की हो जाएगा, जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी ना करो उसी मल्टीप्लाई करोगे, इनक्वैलिटी चेंज नहीं होएगी, वो की आ जाएगा वाई ग्रेटर दैन जीरो। इतों वाई की वैल्यू की मिलती पाई सानू, इतों आ गया जी 1 > y दूसरी साइड पर जाके, इहदा जे तुसी इक्वेशन नंबर फस्ट कह लो, इहदा जे तुसी इक्वेशन नंबर सैकेंड कह लो, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लो, इत्थे किते होएगा जीरो, इत्थे किते होएगा 1, इत्थे मैं कह रहा जीरो तो ग्रेटर, इत्थे मैं की कह रहा
वाई लैस दैन वन, इतने मैं कह रहा वाई लैस दैन वन, यदा की मीनिंग हो गया। देखो एक कॉमन एरिया आ गया जीरो तो वन दे विच विच। सो वन एंड टू इंपलाइज की सिद्ध होंगे इतों, कहता मीनिंग आ कि जीरो तो वन दे विच विच, जीरो तो ग्रेटर वाई तो लैस, जीरो तो ग्रेटर आ वाई तो लैस आ, इतों ही पता चलता जीरो तो वन के विच विच कॉमन एरिया आ रहा। सो ये साढ़े कोल आ गया, तो इतों असं बड़े ईजीली लिख सकते हैं ग्रेटस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, वो असं बाद लिखा ना ही। पहले करा केस सैकेंड, सैकेंड केस तो देखते की मिलता। सैकेंड केस की करा वन माइनस वाई नैगेटिव, वन माइनस वाई नैगेटिव मल्टीप्लाई स्टार बाय वन माइनस वाई लैस दैन जीरो। जो भी नैगेटिव क्वान्टिटी ने मल्टीप्लाई करिए इनक्वैलिटी हो जाती है चेंज, की हो जाएगा वाई इतने की आ जाएगा लैस दैन जीरो, क्योंकि नैगेटिव क्वान्टिटी मल्टीप्लाई करिए इनक्वैलिटी हो जाती है चेंज, जे इतने ग्रेटर सी तो इतने हो गया लैस। ओके तो की आ गया साढ़े को इस स्टैप तो की मिलता सानू, इतों ही मिलता वन लैस दैन वाई। ये होगी इक्वेशन नंबर थ्री, ये होगी इक्वेशन नंबर फोर। रियल लाइन पर चेक करो, इतने होएगा जीरो, इतने होएगा वन, इतने मैं कह रहा जीरो तो लैस। ओके जीरो तो लैस, इतने मैं की कह रहा, इतने मैं की कह रहा वाई ग्रेटर दैन वन, वाई ग्रेटर दैन वन कह रहा जी। इतने मैं कुछ कॉमन एरिया आया, आया ही नहीं, कोई कॉमन एरिया नहीं आया, ये जीरो तो लैस आ, वो वन तो ग्रेटर आ, एक दूजे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए कि कहोंगे। सो ये केस नहीं पॉसीबल, नॉट पॉसीबल आ गया, नॉट पॉसीबल, ये केस नहीं पॉसीबल है। ठीक है जी, ये केस पॉसीबल नहीं, इतों सानू कोई भी सलूशन नहीं मिलना। सो फ्रॉम, सो केस वन एंड टू इंप्लाइज सानू की मिलिया, सानू ये मिलिया कि वाई लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, सानू ये मिलिया वाई लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। सो यदा मीनिंग ये होया, सो एस सैट की आ बाउंडड आ, एस सैट की हो गया बाउंडड, जे बाउंडड आ तो असी उदा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिख सकते हो, कितना होएगा जीरो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया जीरो एंड लीस्ट अपर बाउंड हो गया वन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया जीरो तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया वन। जिमें मैं पहले दस चुके हाँ डेफिनेशन इस तो पिछले लैक्चर, ये लीस्ट अपर बाउंड क्यों आ, क्योंकि जो वन आ वो लीस्ट आ, क्योंकि अपर बाउंड तो हो रही बहुत सारे इस तो अगे वन तो, देखो ऐसे कह रहे ना जीरो तो ग्रेटर, वन तो ग्रेटर बहुत सारे टू थ्री फोर फाइव सारे अपर बाउंड आ, सारे तो लीस्ट कौन आ वन। सो वन लीस्ट अपर बाउंड, जीरो जीरो की हो गया साडा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये केस पॉसीबल नहीं सी, इस करके दोवों केसिस मिला के यही साडा आंसर आया, तो उतों ही असी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो लीस्ट अपर बाउंड लिखे। बिल्कुल सेम वे दे नाल हुण असी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट करन जा रहे हैं। उम्मीद करदा कि तुहानू समझ आ ही गई होएगी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, ये क्वेश्चन ये असी बिल्कुल सेम वे दे नाल वाई सपोज कर लाँगे फंक्शन नू, टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई एक्स वाई टू प्लस एक्स, सो वाई माइनस टू आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई, सो एक्स कॉमन वन माइनस वाई, सो इतों एक्स की वैल्यू मिल गई वाई माइनस टू ओवर वन माइनस वाई, ये साढ़े कोल एक्स की वैल्यू आ गई। बट एक्स की है लैस दैन जीरो, बट गिवन इज एक्स लैस दैन जीरो, दैट इज़ वाई माइनस टू ओवर वन माइनस वाई की हो गया लैस दैन जीरो। उम्मीद करता तुम्हें सारे स्टैप जोड़े आ समझ आ ही कहे होंगे। हुण असी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो केस करांगे, वन माइनस वाई एक केस पॉजिटिव लवेंगे, एक केस लवेंगे नैगेटिव। जे तुम समझ आ रही है तो तुसी वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, तो जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब भी कर दियो। हाँ जी, केस फस्ट, दो केस करन जा रहे हैं। केस फस्ट,
जो भी डिनोमिनेटर चाह पहला केस होएगा वन माइनस वाई ग्रेटर दैन जीरो, वन माइनस वाई ग्रेटर दैन जीरो, ये असी फस्ट केस लिया। सो मल्टीप्लाई इन असी स्टार कहेंगे, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय वन माइनस वाई पॉजिटिव, वन माइनस वाई के नाल मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है जी। पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो पॉजिटिव क्वांटिटी आ मल्टीप्लाई कीत्या इनक्वैलिटी चेंज नहीं होनी। सो वाई माइनस टू लैस दैन जीरो, वाई लैस दैन टू, इतों की आ रहा वन ग्रेटर दैन वाई, यदा इक्वेशन नंबर तुसी फस्ट लै लो, इक्वेशन नंबर सैकेंड लै लो। तो तुसी की देखते हैं, इतने होएगा तुहाडे कोल वन, इतने होएगा टू, इतने मैं कह रहा वाई लैस दैन टू, वाई लैस दैन टू, इतने मैं की कह रहा वाई लैस दैन वन, इतने मैं कह रहा वाई लैस दैन वन। तो दोनों मिला के की दिख रहा मैनू, वन तो पिछे जिन्ना भी एरिया सारा ही कॉमन आ, वन तो लैस जिन्ना भी एरिया ना, देखो इतने दोवें लाइना सेम रिपीट होन लग गई, इतों एक ही लाइन आ रही है, इतने दो लाइना रिपीट होन लग गई। सो वन तो लैस जिन्ना भी एरिया सारे कॉमन है। सो वन एंड टू इंप्लाइज आंसर की आना वाई लैस दैन वन, वन तो टू मिला के की बनता वाई लैस दैन वन, यदा सोल्यूशन होएगा। जो तुम कह सकते हैं वाई बिलोंगस टू, जो इंटरवल च लिखोगे तो माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू वन। केस सैकेंड की लेना वन माइनस वाई लैस दैन जीरो। सो मल्टीप्लाई स्टार इक्वेशन बाय वन माइनस वाई नैगेटिव, नैगेटिव क्वांटिटी ना जो मल्टीप्लाई करोगे तो की होएगा, इनक्वालिटी होएगी, चेंज की आ जाएगा, वाई माइनस टू लैस आ ग्रेटर हो जाएगा ग्रेटर दैन जीरो। सो वाई ग्रेटर दैन टू, वाई ग्रेटर दैन टू, इतों की मिलता पाया मैनू वन लैस दैन वाई। ये जो इक्वेशन नंबर थ्री होवे, इक्वेशन नंबर जो फोर होवे, दोनों मिला के देखो की बनता। जे तुहानू डायरैक्ट ना मिलाना आवे तुसीं की कर सकते हैं, इतने वन इतने टू रियल लाइन पर चैक करो, वाई लैस दैन वाई ग्रेटर दैन वन, वाई ग्रेटर दैन वन, इतने कह रहे वाई ग्रेटर दैन टू, वाई ग्रेटर दैन टू। सो टू तो दोवें जड़ियाँ लाइना बोथ लाइनज स्टार्ट हो जा रही, सो कॉमन एरिया की आ रहा ग्रेटर दैन टू। सो थ्री एंड फोर इंप्लाइज वाई ग्रेटर दैन टू, जे वाई ग्रेटर दैन टू इंटरवल च लिखोगे तो की आएगा वाई बिलोंगस टू 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 इनफिनिटी। सो केस वन ते केस टू नू मिला के साडे कोल की बनिया, केस वन ते केस टू नू मिला के की बनिया, सो फ्रॉम केस वन एंड टू की साडा आंसर आया, सो वाई बिलोंगस टू की आंसर आ रहा, एक आंसर आ रहा सी जी माइनस इनफिनिटी टू वन, माइनस इनफिनिटी टू वन जूनियन टू टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू वन जूनियन, दूसरा आ रहा टू टू इनफिनिटी। देखो ना तो यदा लोअर बाउंड आ, ना तो यदा की है लोअर, तुसी रियल लाइन पर चेक कर सकते हैं, इतने मेरे को वन, इतने मेरे को टू, एक तो आ रहा टू तो ग्रेटर, एक तो आ रहा वन तो लैस, ना तो यदा कोई लोअर बाउंड आ, माइनस इनफिनिटी तक जा रहा, लोअर बाउंड भी नहीं है, प्लस इनफिनिटी तक भी जा रहा, यदा अपर बाउंड भी नहीं है। सो ये सैट बाउंडड नहीं, ये सैट ना तो इन्हें बाउंडड आ ना इन्हें च, ये तो इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी तक जा रहा है इधर, एक्सैप्ट वन एंड टू, एक्सैप्ट वन एंड टू। सो दिस सैट, सो सैट एस इज नाइदर बाउंडड बिलो नॉर बाउंडड अबव, ना तो यह सैट बाउंडड बिलो आ ना बाउंडड अबव आ, की कह सकते सी विच इंप्लाइज अनबाउंडड सैट आ, अनबाउंडड आ, चाहे तुसीं यह कह सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। यही असी इस क्वेश्चन के अंदर शो करना सी, जो अगला क्वेश्चन से बिल्कुल इन द सेम वे तुसी आप करोगे। हुण असी करांगे नैक्सट टाइप के
क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट असं इस टाइप के क्वेश्चन करांगे। इन्हें सारा जिन्हें भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से शो करना कि सैट बाउंडड आ, तो यह लीस्ट अपर बाउंड कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कि आप फाइंड करांगे। बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आ। सो आओ ये क्वेश्चन करने किस तरीके करने आप करिए। चलो मैं एक इन्हें एक क्वेश्चन करवा रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का फस्ट पार्ट करते पे हाँ जी। असी साइन एक्स सैट आ जी माइनस टू कोस एक्स, एक्स बिलोंगस टू आर, यही क्वेश्चन कर लिए। सपोज कर लेने लैफ्ट वाई नाम रख लो, जिमें कि असी हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं। ओके, की करांगे इस टाइप के जोड़े क्वेश्चन आ, पुट जो भी इहदा कोफिशेंट आ वन, उन्हों असी पुट करांगे आर कोस ऑफ अल्फा। ये जो कोफिशेंट आ टू नूं असी पुट कर लैने टू नूं, माइनस टू नूं ही कर सकते बट आप प्लस टू नूं ही करांगे। प्लस टू नूं असी पुट कर लांगे आर साइन अल्फा। स्क्वेयर एंड ऐड करोगे, की करोगे स्क्वेयर एंड ऐड करोगे, इधर आर स्केयर आ जाएगा साइन स्केयर कोस स्केयर अल्फा वन। सो आर स्केयर की वैल्यू आ गई फाइव, सो आर आ गया साढ़े कोल अंडर रूट फाइव। डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा साइन ओवर कोस, आर कैंसल हो गया टेन अल्फा। सो टेन अल्फा की वैल्यू टू आ जाएगी, सो अल्फा आ जाएगा टेन इनवर्स टू, जरूरत नहीं पेगी कितने भी। ओके, ये आ गया साढ़े कोल। उस तो बाद पुट करके देखो, क्योंकि जो पुट करना ना बाई चौपा पर करके देखिए, आर कोस अल्फा, आर कोस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस आर साइन अल्फा कोस एक्स। ठीक है जी, की पुट किया आप आर कोस अल्फा वन नू टू नू आर साइन अल्फा, तो की बन गया है, एक फार्मूला बन गया साढ़े कोल, एक साढ़े कोल फार्मूला बन गया। केड़ा फार्मूला? साइन ए कोस बी। जे असी माइनस आर कर लिए कॉमन, माइनस आर कर लिए कॉमन, तो की आ जाएगा साइन अल्फा कोस एक्स। जा की करो, माइनस नाम ही कॉमन करो तो की करोगे तुसी, आर कॉमन करो, आर कॉमन करोगे साइन एक्स कोस अल्फा, साइन पहले कोस बाद, माइनस कोस एक्स साइन अल्फा। इस तरीके ये की बन गया साढ़े कोल, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। सो साइन एक्स माइनस अल्फा, फर्क इन्ना ही है, जे इतने प्लस होंगी तो इतने प्लस आ जाना। सो ये आ गया साढ़े कोल, तुसी आर दी वैल्यू पुट कर सकते विच इज़ अंडर रूट फाइव। सो एक्स माइनस अल्फा, ठीक है जी, एक्स माइनस अल्फा वी नो कहना, मीनिंग ये होया जो भी सानू गिवन सी, जो भी सानू फंक्शन गिवन सी उन्होंने असी वाई सपोज कर लिया, थोड़ा मोडिफाई किया असी पुट करके इतने पहुँच गए। जो इतने पहुँच गए वी नो साइन एक्स माइनस अल्फा लैस दैन इज इक्वल टू साइन दी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ माइनस वन ते वन दे विच विच हुंदी है, क्योंकि एक्स बिलोंगस टू की सी आर। मैक्सिमम वैल्यू वन हुंदी है साइन विच, ते मिनिमम वैल्यू माइनस वन हुंदी है, वो तुसी चंगी तरह जानते हो। हाँ जी, माइनस वन ते वन दे विच विच होएगी। हुण अंडर रूट फाइव नाल मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडां ते, अंडर रूट फाइव दे नाल मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस अल्फा, इत्थे भी अंडर रूट फाइव। हुण तुसी की देखदे आ, ये सेम फंक्शन बन गया जो सानू गिवन सी वाई। सो वाई की आ गया साढ़े कोल, वाई लैस दैन अंडर रूट फाइव। ठीक है जी, बिल्कुल सेम फंक्शन बन गया वाई जो सानू गिवन सी स्टेटमेंट दे विच। इन्हों असी वाई का नाम दिता, फिर इन्हों असी मोडीफाई करके ये चीज़ बनाई, ये वाई दे इक्वल आ, तो वाई की आ गया देखो, इहदा लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है, ये बाउंडड बिलो भी आ बाउंडड अबा भी आ। सो सैट एस इज़ बाउंडड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया माइनस अंडर रूट फाइव, एंड लीस्ट अपर बाउंड आ गया साढ़े कोल अंडर रूट फाइव। सो ए सी ए क्वेश्चन।
हुण इस टाइप के जिन्हें भी क्वेश्चन है वो तुसी फरदर आप करोगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड माइनस अंडर रूट फाइव, आंसर तो इतों ही क्लीयर हो जाना। इस क्वेश्चन की आएगा टू स्केयर फोर, थ्री स्केयर नाइन, ठीक है जी, तो नौ चार तेरह अंडर रूट थर्टीन आ जाएगा, माइनस अंडर रूट थर्टीन प्लस अंडर रूट थर्टीन, ठीक है जी। इदा ही ए स्केयर प्लस बी स्केयर द स्केयर रूट, एक दे नाल माइनस आएगा एक दे नाल प्लस आएगा। सो इस तरीके सारे क्वेश्चन करने, उम्मीद करदा कि तुहानू ये सारे क्वेश्चन समझा गए होणगे। सो जे कोई क्वेश्चन रह गए होए तो मैं अपने अगले लैक्चर 'च वो भी आपां क्लीयर कर दांगे, नाल ही आपां अगला चैप्टर भी शुरू कर दांगे। सो थैंक यू।